हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। देखिए, लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ टाइप करवाए थे और उसी से आगे आज मैं नेक्स्ट जो टाइप है वो करवा रहा हूँ। आई थिंक थर्ड फोर्थ है, ठीक है। जो भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, और यू कह सकते हो सीबीएसई में तो हर बार पूछा ही जाता है, IIT, PMT, NEET के अंदर इससे रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल कुछ स्टूडेंट्स मुझे आके बताते हैं, कहते हैं कि सर इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी स्टेटमेंट है, वो समझ में नहीं आती है। तो मैंने इस स्टेटमेंट को अपने लैंग्वेज में बड़े इजी तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की, बड़ी फिल्टर करके लिखी और उम्मीद करूंगा कि आप सब इसे याद करोगे, ठीक है। फेयर कॉपी में इसे नोट कर लेना, ठीक है। तो देखिए, समझ लेते हैं इसको क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बिना जो भी कंपाउंड बनते हैं वो अधूरे हैं। जो भी कंपाउंड बन रहे हैं उन सभी के अंदर कोई ना कोई लॉ का लॉजिक लगता है। ये नहीं कि हमने कोई भी दो एलिमेंट मिला दिए और कंपाउंड बन गया, तो जो कंपाउंड बन भी रहा है तो उसमें उन एलिमेंट का क्या मास अमाउंट यूज हुई है, कितने एलिमेंट यूज हुए हैं, कितने अमाउंट कंपाउंड की बनी है, ये सब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ही रीजन में होता है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन उसी के आगे है। तो देख लीजिए क्या है कि व्हेन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट ए कंबाइन विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट बी टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, देन डिफरेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट बी ऑलवेज बियर ए सिंपल रेशियो। तो देखिए, इस डेफिनेशन में भी आपको जब ये लग रहा है कि बड़ी टिपिकल लैंग्वेज है, तो बुक वाली लैंग्वेज तो ऑब्वियसली मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा और ध्यान से देखोगे तो जरूर आएगी समझ में आपको। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक फिक्स एलिमेंट, एक एलिमेंट ए है, ओके, जिसका मास क्या है, फिक्स है, ओके, कंबाइन विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट बी। अब की बार बी नाम के एलिमेंट से कंबाइन होगा, लेकिन उस बी की अमाउंट क्या होगी, डिफरेंट होगी, ओके। फिर कह रहा है कि टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, और उसके साथ कंबाइन होकर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाएगा, ठीक है। देन द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट बी ऑलवेज बी ए, मैं पहले आपको यहां तक समझाता हूं, ओके, यहां तक देखिए क्या कह रहा है। यू कह रहा है कि मान लीजिए कार्बन ले लो, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना लेता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना लेता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक एलिमेंट होगा वो डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट एलिमेंट की जो अमाउंट होगी वो अलग होगी, लेकिन कंपाउंड भी क्या बनाएगा, डिफरेंट बनाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये लॉ दिया इसने, क्या दिया अभी देख लीजिए ध्यान से। तो हम डेफिनेशन को समझाते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल लेके बताएंगे आपको, तब जाके ये स्टेटमेंट आपको सही क्लियर होगी, ठीक है। मैंने कार्बन ही ले लिया, कार्बन जब हाफ और टू के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन जब और टू के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस एग्जाम्पल को रूबरू कर लेते हैं, कह रहा कि मैंने फिक्स अमाउंट ऑफ एलिमेंट ए, चलो इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, ए, दोनों रिएक्शन में, इस रिएक्शन में ये ए है, इस रिएक्शन में ये ए है। आप देख सकते हो कार्बन की कंपाउंड डिफरेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों में ही कार्बन की जो अमाउंट है वो क्या है, फिक्स है, ठीक है। कार्बन का मास यहां पर कितना होगा, 12 ग्राम या यूनिट, ठीक है, 12 यूनिट या 12 ग्राम जो भी है। इस रिएक्शन में भी कार्बन का मास कितना है, 12 यूनिट, ओके, तो यहां पर भी 12 यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का मास देखिए, इसमें ऑक्सीजन का मास कितना है, 32 हो गया, लेकिन हाफ है, मींस सिंगल ऑक्सीजन एटम है, तो 16 ग्राम, और यहां पर कितना आ गया, 32 ग्राम, ठीक है। अब दोनों रिएक्शन में स्टेटमेंट को मैं डिफाइन करता हूं, कह रहा कि एक एलिमेंट ए है जिसका मास क्या, फिक्स है, वो कंबाइन हो रहा है विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट बी, अमाउंट बी है, ये बी है, ये डी है, इन दोनों केस में अमाउंट इसकी क्या है, डिफरेंट है, यहां 16 है या 32 है। फिर कह रहा है कि डिफरेंट कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड बनाता है, फिर क्या बोला, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट बी, मीन्स जो वाला एलिमेंट बी है उसकी जो डिफरेंट अमाउंट है वो हमेशा क्या आएगी, बी की, ऑलवेज बियर ए सिंपल रेशियो। मतलब ये हुआ यहां पर 16 है, यहां 32 है, 16 और 32 का रेशियो आप लोग कितना मिलेगा, 1:2, तो सिंपल रेशियो में आया, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अभी इतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ,
डेफिनेशन मैंने आपके लिए इसलिए लिखी ताकि जो मैं एग्जांपल दूं वो डायरेक्ट रेफर हो जाए और स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाए। तो देख लीजिए, एग्जांपल ले लिया मैंने, नाइट्रोजन है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बना लेगा N2O, ठीक है, ये बैलेंस कर लिया। नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो N2O3 भी बनाता है, N2 प्लस O2 अगर रिएक्शन करते हैं तो N2O4 भी बनाते हैं, N2 प्लस O2 अगर रिएक्शन करते हैं तो N2O5। देखिए स्टूडेंट्स, मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट करवाता हूँ वो सीबीएसई से लेके आईआईटी पीएमटी नीट तक टच करवाने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए मैंने ये एक दूसरा एग्जांपल लिया आप सबको बताने के लिए कि इसमें कॉम्प्लिकेट किस लेवल का बन सकता है और इजी किस लेवल का बन सकता है। कार्बन वाला इजी लेवल का था, तो देख लीजिए इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इस टाइप के लोग को ओबे करवाने के लिए हम इन रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो रिएक्शन क्या करते हैं, बैलेंस। और बैलेंस करने के लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है जिसको आप देख सकते हो, बैलेंस करना कैसे सीखते हैं वो भी सीख सकते हो, ठीक है। ये बैलेंस ऑलरेडी है, इसमें क्या करेंगे हम, NO है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2NO बैलेंस हो गया। यहां पर क्या किया, 3/2 O2, ये भी बैलेंस हो गया। यहां पर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस हो गया। 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। आइए इस लॉ की जो स्टेटमेंट है उसको हम यहां पर फॉलो करें। क्या कह रहा है कि एलिमेंट जो ए है, ये ए है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में ये ए है, इस रिएक्शन में ये वाला ए है, ए ए, ठीक है। एलिमेंट ए है उसका अमाउंट क्या, फिक्स। तो नाइट्रोजन की अमाउंट कितनी है भाई, 28, 14 ठीक है। यहां पर कितनी है देख लेते हैं, यहां पर अमाउंट है 16 to 32, ये हो गया 16, ओके। यहां पर कितना ऑक्सीजन की अमाउंट 16, यहां पर कितनी है 32, यहां पर कितनी है 48, यहां पर कितनी हो गई 64, ठीक है, और यहां कितनी हो गई भाई 16 5 जा 80, ठीक है। लेकिन इन सभी केस में एलिमेंट जो ए जिसको मैं बोल रहा हूं एन टू है यहां पर, उसकी अमाउंट क्या है, फिक्स। कितनी है, कितनी है 28 ग्राम या 28 मिनट, ठीक है। लेकिन इन सभी में जो इसके बी के साथ जब रिएक्शन कर रहा था, बी की अमाउंट क्या सभी केस में अलग अलग है, और ये कह रहा है कि जो अलग अलग जो अमाउंट आई है बी की वो हमेशा सिंपल रेशो में रहेगी। तो आइए देख लेते हैं सिंपल रेशो में है या नहीं है, ठीक है। 16 को अगर मैं सिंपलीफाई करके लिखूंगा तो ये रेशो आ जाएगा 1, 2, 3, 4 and 5, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। तो इस प्रकार लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आप कर सकते हो, जो वेरी इंपॉर्टेंट था, बड़ी इजी स्टेटमेंट और लैंग्वेज के साथ मैंने एग्जांपल देके बताया है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, ओके। तो सेकंड लॉ जो है वो अभी करवा देता हूं। इससे जो नेक्स्ट लॉ है बेटा वो है गे लॉ, ठीक है, ये गे लॉ। इस लॉ की अकॉर्डिंग क्या है भाई, इट स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इट स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडरगोइंग इन ए रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इन सिंपल रेशो टू ईच अदर एंड टू दैट ऑफ प्रोडक्ट। सभी लोगों की जो डेफिनेशन हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज की है, फिर भी मैंने अपने वर्ड में इजी बना के लिखा इसको। गे लॉ क्या कह रहा है, इट स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, पहली बात तो ये वाला लॉ है किसके लिए लगेगा,
गैस के लिए ओके अंडर बॉइलिंग इन ए रिएक्शन, किसी रिएक्शन में मान लीजिए किसी भी रिएक्शन में गैसेस मीडियम की रिएक्शन अगर है वो, तो उनका जो वॉल्यूम रिएक्शन करेगा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो वो हमेशा सिंपल रेशो में एक दूसरे के प्रति भी रहेगा और प्रोडक्ट के प्रति भी। मीन्स ये हुआ कि रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की स्पीसीज आपस में सिंपल रेशो में रहेगी विद प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ में सिंपल रेशो में रहेगी। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं तब जाके क्लियर होगा, ठीक है। एग्जांपल लिया हमने H2+N2 = NH3 हैबर प्रोसेस, ठीक है, हैबर प्रोसेस में क्या बनता है स्टूडेंट्स अमोनिया। तो सबसे पहले हमने रिएक्शन को क्या किया, बैलेंस, ये लो 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 9 रिएक्शन बैलेंस। अब देखिए ये भी गैसेस मीडियम में है, ये भी गैसेस मीडियम में और ये भी गैसेस मीडियम में, तो इस लो की जो मैं आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर डिफाइन करूं तो ये यूं कह रहा है कि किसी भी गैसेस मीडियम की इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होते हैं ना वही उसका वॉल्यूम होता है। अब तो इससे आसान ज्यादा नहीं कर सकता मैं, क्या कहा कि किसी भी गैसेस मीडियम की इक्वेशन में जो वॉल्यूम होते हैं वो किसके प्रति डिफाइन, किससे डिफाइन करेंगे, उसके कोफिशिएंट से, जो उसके कोफिशिएंट है वही उसका वॉल्यूम होता है। आई मीन यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है बैलेंस करने के लिए जो कम यूज की जाती है वो कोफिशिएंट, यहाँ पर 3 कोफिशिएंट है, यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है 2, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 2 वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? वॉल्यूम का मतलब लीटर में या मिलीलीटर में किसी भी जो यूनिट है उसमें, ठीक है। मीन्स ये हुआ कि 1 ml नाइट्रोजन 3 ml हाइड्रोजन साथ रिएक्शन करेगी तो 2 ml अमोनिया प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। मीन्स कोफिशिएंट के रिगार्डिंग उसका वॉल्यूम डिफाइन किया जाएगा, क्लियर। एग्जांपल ये था सीबीएसई लेवल का, चलो हल्का सा आईआईटी मेंस में पूछा गया है तो इजी, बट समझने के बाद वो इजी लगेगा। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन ये आया हुआ था एक बार क्या कि CH4 कितनी है 100 ml, द कंबशन ऑफ 100 ml मीथेन गिव्स CO2 वाटर एंड हीट। आई रिपीट अगेन, द कंबशन ऑफ 100 ml मीथेन गिव्स CO2 H2 एंड हीट, देन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इन ml, ओके, CO2 इन ml प्रोड्यूस। ये क्वेश्चन था, यहां पर लग रहा है, फिर से देखिए 100 ml मीथेन है वो कितनी ml CO2 प्रोड्यूस करेगी आफ्टर कंबसन, 100 ml मीथेन को जलने के लिए कितनी ml ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो बड़ा आसान तरीका है, देख लीजिए कैसे सोल्व करेंगे हम इसको। देखिए सबसे पहले मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखूंगा, CH4 का कंबसन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और यहां से बन रहा है CO2+H2O, बैलेंस किया इसको कैसे करेंगे भाई, हाइड्रोजन 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन 2 × 4 तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्शन बैलेंस है। अब क्या किया, अब देखिए अकॉर्डिंग टू गे लुसेट लॉ इसका जो कोफिशिएंट है कितना है 1, मीन्स यहां पर 1 ml हो गया, यहां पर कितना हो गया 2 ml, यहां 1 ml, ठीक है, और यहां फिर से 2 ml। लेकिन याद रखना गे लुसेट लॉ इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ गैसेस मीडियम, तो यहां पर तो लिक्विड है तो ये लिखने जरूरत है नहीं, वाटर लिक्विड है, ये गैस है। अब ये कह रहा है कि 100 ml मीथेन जलेगी तो कितनी ml CO2 प्रोड्यूस करेगी, सिंपल है क्या, 1 ml से कितनी प्रोड्यूस हो रही है 1 ml CO2, 100 ml से कितनी हो जाएगी 100 ml CO2, मैंने बताया था 1 ml है तो 1 वॉल्यूम हो गया ना, ठीक है ना, 1 वॉल्यूम, ठीक है, तो 100 ml से 100 ml, और उसके लिए कितनी जरूरत पड़ेगी भाई 2 ml, मीन्स 200 ml ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी मीथेन का कंबसन के लिए, 100 ml मीथेन का कंबसन करवाने के लिए कितने ml की जरूरत पड़ेगी 200 ml, ठीक है, अगर 1 ml की कितनी जरूरत पड़ेगी 2 ml की। तो इस प्रकार आप गे लुसेट लॉ को डिफाइन कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है, ओके थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखिएगा, ओके।